What's up everybody, welcome back to another video। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेई मेंस पेपर वन के एनालिसिस के बारे में, 4 सितंबर को जो आपका एग्जामिनेशन हुआ स्लॉट वन और स्लॉट टू दोनों एग्जामिनेशन के बारे में। तो स्टूडेंट्स का क्या फीडबैक था, स्टूडेंट्स ने साफ साफ कहा कि मैथमेटिक्स का पेपर लेंथी था, कैलकुलेशन उसमें ज़्यादा हुआ, केमिस्ट्री और फिजिक्स का पेपर आपका इजी टू मॉडरेट लेवल के बीच में था। तो उसी के बारे में पूरा कंपेरिजन होगा, पूरा एनालिसिस होगा एग्जाम पेपर के बारे में। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हो। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जेई मेंस और नीट एग्जामिनेशन के ऊपर जो पोस्टपोन की पिटीशन फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे डिसमिस कर दिया है और एग्जामिनेशन अपने तय समय हो रहा है, जेई मेंस का और नीट का भी तय समय पर होगा। इसके बारे में अपडेट के बारे में बात करेंगे साथ में। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके ज्वाइन कर सकते हो वीडियोज़ की अपडेट के लिए, वहाँ पर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। शेयर करोगे दोस्तों साथ तो उनको भी हेल्प मिल जाएगी और क्या पेपर आया था इसके बारे में उनको आइडिया मिल जाएगा। आज है 5 सितंबर और आज है टीचर्स डे, तो आप सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको पता है आज सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बर्थडे है, इसके ऑनर में हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं। तो आप कमेंट में जरूर से टीचर डे विश कर देना सभी को ताकि अच्छा लगे। और आपको बता दूं एग्जामिनेशन पोस्टपोन के ऊपर जो रिलेटेड न्यूज़ निकल के आ रही थी, जैसे देख सकते हो जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने जो रिव्यू पिटीशन है जो कि 6 स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने फाइल किया था उसको डिसमिस कर दिया है। नीट एग्जामिनेशन अपने तय समय पर होगा और जेई मेंस एग्जामिनेशन तो अपने तय समय पर ही हो रहा है। थ्री जज के बेंच ने इसको कहा कि एग्जामिनेशन अपने तय समय पर होगा। जो रिव्यू पिटीशन फाइल की गई थी बाय 6 CMs ऑफ वेस्ट बंगाल, झारखंड, राजस्थान, पंजाब एंड छत्तीसगढ़, तो उनको डिसीजन मिल चुका है। तो जो भी बच्चा पोस्टपोन के ऊपर अपडेट चाह रहा था वो पोस्टपोन के ऊपर अपडेट आ गया और ये फैसला यानी कि शुक्रवार को ये फैसला हो गया। तो यही कुछ अपडेट थी। जैसा कि देख सकते हो लाइव लॉ ने ट्वीट करके जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया रिव्यू पिटीशन जो कि चीफ मिनिस्टर ने फाइल की थी और इससे पहले 17 अगस्त को भी रिजेक्ट किया गया था पोस्टपोन से रिलेटेड एग्जामिनेशन को पोस्टपोन के लिए जो पिटीशन फाइल की गई थी उस समय भी रिजेक्ट कर दिया गया। तो आप देख सकते हो आपका जो 4 सितंबर का एग्जामिनेशन हो गया, तो इसी के बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले 4th डे यानी कि 4 सितंबर को जो एग्जामिनेशन हुआ, ओवरऑल बात करें इजी टू मॉडरेट लेवल में आपके क्वेश्चन थे। फर्स्ट शिफ्ट आपका 9 AM से 12 PM के बीच था और सेकेंड शिफ्ट आपका 3 PM से 6 PM के बीच में था। इसमें जो एग्जामिनेशन सेंटर पे ऑल प्रिकॉशनरी मेजर फॉलो किए जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो किया जा रहा है। आपने तो इमेज भी देखा होगा जिसमें मास्क सभी बच्चे लगाए हुए हैं और साथ में जो वहाँ पे टीचर्स हैं उन्होंने भी प्रॉपर तरीके से सेफ्टी मेजर्स फॉलो कर रही है, मास्क का यूज़ कर रही है, सैनिटाइजर का यूज़ कर रही है और बच्चों को एग्जामिनेशन सेंटर अंदर आने से पहले थर्मोगन से उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स ने पेपर के बारे में बताया कि पेपर क्वाइट बैलेंस था और मॉडरेट लेवल का पेपर था, लेकिन बात करें पास्ट के पेपर से तो थोड़ा सा लेंदी था, कैलकुलेशन ज़्यादा था। लेंदी का मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा था जिसके लिए बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा था। फिजिक्स पेपर की बात करें तो फिजिक्स पेपर आपका मॉडरेट लेवल था और उसमें कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा थे कंपेयर टू मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से ज़्यादा कैलकुलेशन थे उसमें जो कि बच्चों के लिए था। और आपको बता दूं यहाँ पे अगर कैलकुलेशन की बात की जाए तो आपका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो भी अच्छी तरीके से पूछा गया। आपको पता है कि 20 MCQs आते हैं और 5 न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर्स की बात करें तो ऑलमोस्ट ऑल टॉपिक्स कवर किए गए। कुछ एग्जाम्पल दे दूँ आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैकेनिज्म, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, इंटीजर टाइप क्वेश्चन थे जो कि लिटिल बिल कैलकुलेटिव थे, तो कैलकुलेशन करना इंपॉर्टेंट होगा। आपने अगर न्यूमेरिकल सॉल्व किया तो आपके लिए इजी हो सकता है। ये पेपर सेम ही नहीं होता, अलग अलग तरह के पेपर डेली बाय डेली आते रहते हैं। केमिस्ट्री की बात करते हो, केमिस्ट्री का पेपर सेम था एज द लास्ट अटैम्प्ट, इस बार इजी था। मतलब जितने भी देखो आप, अगर तीनों शिफ्ट मतलब तीनों दिन और 6 शिफ्ट जो आपके हो गए उसमें इजी था। ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके जो थे वो थ्योरेटिकल थे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे गए थे एज़ कम्पेयर टू फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इंटीजर टाइप क्वेश्चन थे जो कि इजी थे। इंटीजर टाइप मीन्स जो आपका कैलकुलेशन वाला था जो कि फिजिकल केमिस्ट्री से था तो वो इजी था। केमिस्ट्री पेपर की बात करें तो पूरा NCERT से क्वेश्चंस आए हुए थे और ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस कवर किया गया था। तो आपने अगर पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ा होगा तो आपके लिए ईजी होगा। मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स आपका कैलकुलेटिव था, लेंदी था एज़ कम्पेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा होती हैं और यहाँ पर 2-3 चैप्टर मिला के एक क्वेश्चन को बनाया जाता है, तो हाइब्रिड टाइप का क्वेश्चन होता है। यहाँ पे भी 20 MCQ प्लस 5 न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन थे और यहाँ पे बच्चों को 1 घंटे से ज़्यादा का समय लग गया, क्योंकि कैलकुलेशन जब आप करोगे तो थोड़ा सा आपको टाइम लग जाता है।
सो ये थी पेपर की एनालिसिस जो कि मैंने आपको बता दी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एक बार फिर से टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी खुश रहो, यही मेरे आप लोगों से यही मैं कामना करता हूं। और इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।